माफिया चीन ने ताइवान को कुचलकर अपने कब्जे में लेने के लिए आमादा नजर आ रहा है। चीन अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चीन ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में चीन के 71 लड़ाकू विमान और 7 जहाज ने ताइवान स्ट्रेट की बाउंड्री को पार किया है। शुरू हो गया ड्रैगन का ऑपरेशन ताइवान। घर में घिरे जिनपिंग ने शुरू किया नया बखेड़ा। ताइवान मामले पर आमने सामने आए चीन अमेरिका। चीन में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना की नई लहर से जिनपिंग का मुल्क भारी मुश्किल में है। सड़कों पर लोगों को ड्रिप लगाई जा रही है। दवाओं की किल्लत से आम चीनी लोग जूझ रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो ब्लड बैंक्स में खून की कमी आ गई है। लेकिन इन तमाम मुसीबतों में घिरे होने के बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भूमाफिया चीन ने फिर से शैतानी की राह पकड़ ली है। चीन की सेना की नई करतूत। 24 घंटे में ताइवान की ओर बढ़े 71 वॉर प्लेन। ड्रैगन ने ताइवान की ओर भेजे 7 युद्धपोत। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि चीन के युद्धक विमान लगातार ताइवानी इलाके के आसमान में मंडरा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अमेरिकी संसद में ताइवान से जुड़े सालाना डिफेंस खर्च वाले बिल पास होने से ड्रैगन बौखलाया हुआ है, क्योंकि चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी कदम को एक गंभीर राजनीतिक उकसावा करार दिया था और इसे चीन के आंतरिक मामलों में खुलेआम हस्तक्षेप करार दिया गया था। वहीं ताइवान ने अमेरिकी बिल का स्वागत करते हुए बताया था कि यह कदम ताइवान के लिए अमेरिकी समर्थन को जाहिर करता है। दूसरी तरफ चीन न सिर्फ दबंगई दिखा रहा है बल्कि ताइवान को नीचा दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ईस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता शी यी ने यहां तक कह दिया कि ताइवानी एयर स्पेस में चीनी लड़ाकू विमानों की उड़ान अमेरिका ताइवान के उकसावे का जवाब है। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रविवार सुबह 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे के बीच ताइवान स्ट्रेट बॉर्डर के पास चीन के विमान गुजरे। ताइवान स्ट्रेट ताइवान से लगे समंदर में वो बाउंड्री है जिसे चीन और ताइवान दोनों अनौपचारिक तौर पर स्वीकार करते आए हैं। चीन ने ताइवान की ओर जो विमान भेजे उसमें 18J-16 लड़ाकू विमान, 11J-1 लड़ाकू विमान, 6 Sukhoi-30 लड़ाकू विमान और ड्रोन चीन ने भेजे हैं। ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेन के आदेश पर ताइवान की सेनाएं भी चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ताइवान ने दावा किया है कि चीन की हवाई साजिशों को नाकाम करने के लिए ताइवानी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम रेडी है। इसी के साथ ताइवानी नेवी की वॉरशिप भी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। ताइवान का हौसला इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में ताइवान की आर्थिक और सैन्य मदद के लिए लगातार आगे आ रहा है। बाइडेन ने यह ऐलान भी कर दिया था कि अगर चीन ताइवान पर सीधा हमला करता है तो अमेरिका खुलकर युद्ध में चीन के खिलाफ उतर आएगा। यही वजह है कि चीन ताइवान की ओर बढ़ तो रहा है लेकिन संभल संभल कर। लेकिन इतिहास गवाह है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और चीन के इस कैरेक्टर की खबर ताइवान को भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।